तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के जीरो बिन। तो आज इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गाइज हमारा जो गाइज फ्री फायर में गाइज OB32 गाइज अपडेट आने के बाद कौन सी जो वेपन्स है जिसके अंदर जो है बैलेंस का जो है एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गाइज मैं इस वीडियो में बताऊँगा। जो भी गाइज OB32 अपडेट आने के बाद जो है गन के जो है एट्रीब्यूट्स में जो है चेंजेस होंगे वो सब बताऊँगा। ठीक है, तो गाइस अगर आपको भी वेपन एडजस्टमेंट की वीडियो देखनी है तो गाइस इस वीडियो को जो पूरा एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैं सारी जो वेपन्स को कवर करने वाला हूँ। ठीक है, और वेपन्स के अलावा कोई भी अलग से अपडेट जो है इस वीडियो में मैं आपको नहीं दूंगा, सिर्फ वेपन रिलेटेड अपडेट ही जो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहला गाइस अपडेट तो ये है कि गाइस जो हमारी SMG और जो शॉर्ट गन्स हैं, गाइस शॉर्ट गन से मेरा मतलब है गाइस SG वाली गन, जो जैसे M10 होगी, MAC-7 होगी, ये सारी गन्स जो है शॉर्ट गन है। तो गाइस इन सभी गन्स की जो है क्या हुआ है, इन लोगों ने जो है इनकी जो है रेंज को जो है कम कर दिया। अब कितना कम किया ये मैं बारी बारी से आपको एक एक गन का बताता हूँ। ठीक है, तो गाइस जैसे कि पहले होगी हमारी M10 पास 12 और साथ ही गाइस हमारी M1887 जो हमारी कट्टे वाली स्किन है, इसके अलावा गाइस MAC-7, ये सारी गाइस शॉर्ट गन है। ठीक है, इसके अलावा गाइस सारी जो हमारी SMG गन है, UMP, MP5, MP40, P90, थॉमसन और जो नई वाली आई है MAC-10, इन सभी की जो है इफेक्टिव गाइस जो रेंज है उसे -5% कर दिया, यानी कि जो इनकी रेंज है वो जो है 5% कम जो है हो गई है। यानी कि गाइस अब से जो है आप इनका जो है लॉन्ग रेंज में अगर यूज़ करेंगे तो गाइस आपको ये उतनी पावरफुल नहीं लगेगी जितनी अभी के टाइम पे है। ये सारे चेंजेस गाइस OB32 अपडेट में होंगे, यानी कि गाइस इनमें से एक भी गन अगर आप चलाते हो तो आपको जो है फ़र्क ज़रूर पता चलेगा। ठीक है, इसी के साथ इतना ही नहीं, इसके साथ जो इनका लॉन्ग डिस्टेंस का जो हेडशॉट का जो डैमेज होता है उसे -20% तक कम कर दिया। यानी कि अगर आप जो है इन गन का यूज़ करके जो है थोड़ी सी भी जो है रेंज यानी लॉन्ग रेंज में अगर आप हेडशॉट मारते हो तो उसका जो है डैमेज काफ़ी कम कर दिया इन्होंने, 20% जो है कम और लगेगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आप जो अभी के टाइम पे किसी शॉटगन या UMP से कोई लॉन्ग रेंज में जो है बंदे को मारते हुए हेडशॉट, तो उसका जितना डैमेज आता है वो जो है 20% कम होगा। ठीक है, तो यानी कि गाइस सिंपल भाषा में बताऊं तो आप जो है अब इन गन का सिर्फ शॉर्ट रेंज में जो है यूज़ कर सकते हो, लॉन्ग रेंज में ये इतनी इफेक्टिव आपको नहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये गाइस इसलिए किया है ताकि आप जो है AR गन को ज़्यादा प्रीफर करें लॉन्ग रेंज के लिए। ठीक है, AR गन को ज़्यादा यूज़ करें लॉन्ग रेंज के लिए, इसलिए गाइस इन्होंने SMG और जो शॉर्ट गन है इनको शॉर्ट रेंज में ही जो है ठीक रखा है, इनको जो है लॉन्ग रेंज में बिल्कुल ही ख़राब कर दिया। ठीक है, तो लॉन्ग रेंज में अगर आप यूज़ करेंगे AR गन तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगी शॉर्ट रेंज गन के अलावा। ठीक है, इसके अलावा गाइस जो हमारी मिनी यूजी है गाइस उसमें गाइस क्या चेंज हुआ, उसमें गाइस जो है रेंज को 5% जो है कम कर दिया। इसके साथ जो इसका जो लॉन्ग डिस्टेंस का हेडशॉट का जो डैमेज है उसको जो है -20% तक कम कर दिया। इसके अलावा गाइस इसका जो आर्मर पेनिट्रेशन है उसे भी -20% तक कम कर दिया है। आर्मर पेनिट्रेशन का मतलब होता है गाइस जो आर्मर को जो है कितना जल्दी तोड़ती है कोई गन, किसी गन का जो ज़्यादा होता है किसी गन का कम होता है, इस गन का जितना था उसको जो है और भी 20% कम कर दिया है। यानी कि इससे जो है आप सामने वाले की वेस्ट जो है उतना ज़्यादा डैमेज नहीं होगी जितना पहले होती थी। ठीक है, तो गाइस इसको देखते हुए मुझे लगता है गाइस उजी जो है अपडेट के बाद बहुत ही जो है बेकार होने वाली है। ठीक है, इसके बाद गाइस बात करें तो गाइस हमारी वेक्टर और जो गाइस हमारी M500 है गाइस इन दोनों गन का जो है गाइस लॉन्ग डिस्टेंस का जो हेडशॉट का जो डैमेज है गाइस उसको भी 20% तक इन्होंने कम कर दिया। जो मैंने आपको पहले बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस का जो गाइस हेडशॉट का जो डैमेज होता है किसी भी गन का उसको जो गाइस इन्होंने जो है कम कर दिया इन दोनों गन के लिए 20% तक। ठीक है, इसके अलावा गाइस बात करें तो गाइस अब जो गाइस बात करते हैं जिन गन के अंदर जो है आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, यानी कि जिन गन को जो है थोड़ा बफ दिया गया है इस बार। ठीक है, तो गाइस जैसे कि सबसे पहले जो हमारी गन है गाइस वो है हमारी स्कार और AUG, ये दोनों गाइस जो AR गन है इनके जो है गाइस रेंज को जो है थोड़ा सा बढ़ाया है इन लोगों ने, जो कि गाइस हमारी स्कार है उसमें 6% और जो AUG है उसमें 3% तक रेंज को जो है बढ़ा दिया है। साथ ही गाइस इन दोनों गन का डैमेज भी बढ़ाया है, जैसे कि स्कार का 4% और AUG का 2%। तो गाइस ये जो दो गन है AR वाली ये लॉन्ग रेंज में गाइस काफ़ी जो इफेक्टिव होंगी इस बार जो OB30 अपडेट के बाद। ठीक है, तो गाइस देखना ये है कि अपडेट के बाद ये जो गन है गाइस ये दोनों चलाने लायक होंगी कि नहीं, क्योंकि गाइस अभी के टाइम पे स्कार इतनी मुझे अच्छी नहीं लगती है जितनी मेरे को M4A1Z जो है ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि गाइस उसमें जो है काफ़ी अच्छा खासा रेट ऑफ़ फायर जो है और डैमेज भी मिल जाता है, जैसे ग्रूजा होगी या M4A1 इन सब गन में गाइस ज़्यादा डैमेज और रेट ऑफ़ फायर अच्छा खासा मिल जाता है, इसलिए गाइस ज़्यादातर लोग यही चलाते हैं। स्कार को अब ज़्यादा लोग नहीं चलाते हैं, हो सकता है इसलिए उसको जो बफ देना पड़ रहा है, क्योंकि गाइस मुझे लगता है गरीना जो है जल्दी जो है एक स्कार की और AUG की स्किन भी लाने वाला है। ठीक है, इसलिए गाइस जब भी इस तरह की गन स्किन लानी होती है तो गाइस ये जो है उनके थोड़ा बफ दे देते हैं ताकि लोग जो है वो गन ज़्यादा चलाना शुरू कर दें। ठीक है, और जब उसकी स्किन आएगी तो गाइस ओबीसी बात है उसको जो है लोग जरूर निकालेंगे। ठीक है, तो गाइस ये तो गाइस गरीना की जो है बिजनेस स्ट्रेटजी है। ठीक है, अब गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ जो लास्ट हमारी गन है जिसमें जो थोड़ा सा बफ देखने को मिलेगा वो है हमारी किंग फिशर, जिसमें गाइस आपको जो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं मिलेगा, इसमें बस आपको जो है दो मैगजीन जो है एक्स्ट्रा मिलेंगी। ये बिल्कुल छोटा सा चेंज है गाइस, बिल्कुल माइनर चेंज आपको शायद पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो गाइस ये थे सारे वेपन बैलेंस एडजस्टमेंट जो आपको जो है OB32 में अपडेट में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा गाइस किसी और गन में जो है
अभी तक बैलेंस में जो है चेंजेस नहीं हुआ, उसको जो है कोई बैलेंस चेंज जो है नहीं दिया गया, ठीक है। तो गाइस यही सारी गलती जो मैंने आपको बताई है। तो गाइस ये सारी चीज़ें जो गाइस आपको कैसे लग रही नीचे कमेंट में जरूर बताना, और गाइस इस वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और गाइस चैनल पर नया आया तो गाइस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ। ओके बाय।